अपनी सुर्खियों में रहने वाले देश के सबसे बड़े बिल्डर सुपरटेक का एक फर्जीवाड़ा सामने आया। सुपरटेक ने फर्जी चिट्ठी के जरिए ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 17A के अपकंट्री प्रोजेक्ट के लिए अलॉट 100 एकड़ जमीन का ग्राउंड कवरेज बढ़ा दिया था। और फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपकंट्री प्रोजेक्ट का जो मैप है वो कैंसिल कर दिया। इन बिल्डिंग्स में बसने की हसरत ये कई खरीदारों ने सुपरटेक को अपनी गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया सौंप दिया, लेकिन अब इन खरीदारों के पैर के नीचे की जमीनें खिसक गई है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA ने सुपरटेक के ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट अप कंट्री के नक्शे को कैंसिल कर दिया है। यानी पोजेशन के करीब पहुंचे इन फ्लैट्स में खरीदार नहीं रह पाएंगे। अब सवाल है इन हजारों घर खरीदारों का क्या होगा। कंप्लीशन मैप जब प्रस्तुत किया गया तो तत्कालीन CO के संज्ञान में लाया गया कि उस कंप्लीशन को जिस आधार पर प्रस्तुत किया गया है, ग्राउंड कवरेज का 25% से 40% के वृद्धि के आधार पर, वो किसी पत्र के, शासन के पत्र के आधार पर किया गया है, जो कि शासन का पत्र सही नहीं है। शासन के इस पत्र के बाद प्राधिकरण के तत्कालीन CO द्वारा ये कंप्लीशन मैप निरस्त कर दिया गया। दरअसल सुपरटेक ने फर्जी चिट्ठी के जरिए इस टाउनशिप का प्लान पास कराया। सुपरटेक ने चिट्ठी 2011 में भेजी थी और उसे टाउनशिप में ओपन एरिया के बूते ग्राउंड कवरेज मिल गया। बाद में उसने 730 प्लॉट और विला करीब 343 करोड़ रुपए में बेच दिए। जब 2015 में सुपरटेक ने काम पूरा होने का सर्टिफिकेट मांगा, तब यमुना एक्सप्रेसवे के दो CO ने बताया कि बिल्डिंग प्लान फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बदला गया। दरअसल सुपरटेक ने उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव की चिट्ठी के आधार पर ग्राउंड कवरेज बढ़ा लिया, लेकिन जांच में पता चला कि ऐसी कोई चिट्ठी उत्तर प्रदेश के सचिव ने लिखी ही नहीं थी। यानी सुपरटेक का एक और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। सुपरटेक अप कंट्री में 28 टावर बनने थे। हर एक टावर में 120 रेजिडेंशियल फ्लैट और 948 विला और प्लॉट थे। सुपरटेक को जून 2010 में यमुना एक्सप्रेसवे के पास 100 एकड़ अलॉट की गई थी। उसी साल अगस्त में रजिस्टर हो गई, लेकिन जब पोजीशन का वक्त सामने था तो प्रोजेक्ट का नक्शा ही बदला मिला। गौरतलब है कि सुपरटेक पहली बार विवादों में नहीं आया है। अप्रैल 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा सेक्टर 93A में एमरल्ड कोर प्रोजेक्ट में बनने वाले 857 रेजिडेंशियल फ्लैटों के दो टावरों को गिराने का आदेश दिया था। ये टावर नियमों को परे रख कर बनाए गए थे। यही नहीं, कई और विवादों में आकर सुपरटेक हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। घर खरीदार उसके दफ्तर के चक्कर लगाते रहते हैं और सुपरटेक के मालिकान सोए रहते हैं। ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिर्फ बात होती है, लेकिन इनका धंधा चालू रहता है और खरीदार परेशान। गौरव खोसला, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा।